नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 7 स्टेप रेगुलेटर सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BT134 ट्राइक और एक DB3 डायक। उसके बाद इस डायक को हम इस ट्राइक के गेट पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रेजिस्टर और एक 0.1UF 100 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस रेजिस्टर को हम इस डायक के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस डायक के टर्मिनल 1 पिन के साथ और इस 1K रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 680K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस डायक के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 7 स्टेप रोटरी स्विच। उसके बाद इस स्विच के इस पिन को हम इस टाइप के टर्मिनल 2 पिन के साथ और स्विच के इस पिन को हम इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्किट को अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।